Yes. Yes. Now, mama will record, okay? No crying. Hi, guys. Good evening. Welcome back to my channel, Nayad Naya Vlog. एक्चुअली आज का जो व्लाग है ना उसमें बात करेंगे कि जब मैं फिनलैंड आई थी तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में पता नहीं था यही पता था कि एक विदेश की कंट्री है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था होती है बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी फिनलैंड में जो मुझे यहाँ पर आके पता लगी मुझे पता ही नहीं था कि भाई इतना कुछ है इस छोटी सी कंट्री के अंदर इस प्यारे से देश के अंदर अपार्ट फ्रॉम विंटर्स या फिर ब्यूटिफुल समर्स बहुत कुछ और है तो आज चलिए उसके व्लाग के बारे में आज ही उसी के बारे में मतलब करेंगे बात सबसे पहली चीज़ थी वो थी हमें सबको पता है कि नोकिया एक टाइम पे कभी बहुत ही बड़ा जो है फ़ोन इंडस्ट्री का काफ़ी बहुत बड़ा ब्रांड था जिसका निवेश जो है मतलब जिसकी जो रिसर्च है वो फिनलैंड की है फिनलैंड से हुई थी बट अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि नोकिया जो है फिनलैंड के अंदर एक छोटी सी सिटी है और ये तामपरे से ज़्यादा दूर नहीं है फ्यू मिनट्स की राइड है तामपरे से और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है पिरकान एरिया के अंदर ही और हम लोग तो वहाँ पर मतलब लास्ट टू लास्ट समर साइकिलिंग करते हुए गए थे और बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पर बड़ा ही ब्यूटिफुल सा चर्च भी है प्लस छोटी छोटी चीज़ें ग्रॉसरी स्टोर तो वो सारा कुछ तो है ही है तो नोकिया जो है एक सिटी है अगर आप गूगल मैप्स पर कभी जाके चेक करो ना तो आपको वहां पर नजर आएगा तो नोकिया सिर्फ कंपनी नहीं है एक सिटी है जो कि फिनलैंड के अंदर है दूसरी चीज थी कि सांता क्लॉज विलेज हाँ ये भी मुझे नहीं पता था मतलब कि फिनलैंड के अंदर ना Uh, जो है सेंटा क्लाज विलेज जो कि लैपलैंड में है टुवर्ड्स द नॉर्थ रोवानियामी करके एक जगह है वहाँ पर सेंटा क्लाज़ विलेज है जहाँ पर एक असली में एक सेंटा क्लाज बैठते हैं और वो हमेशा वहीं बैठे रहते हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत सी वहाँ पे यू नो पार्टीज़ होती हैं पार्टीज़ मतलब ऐसे झूमने वाली नहीं होती क्योंकि क्रिसमस तो में तो बहुत ठंड होती है ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में फिनलैंड के आर्टिक सर्कल के पास और वहाँ पर बैठे रहते हैं वो और फिर आप उनके पास जाके बड़ी लंबी लाइन होती है अंदर जाके उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं एंड जो वो क्लॉज है ना वो जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात भी करते हैं तो अगर मैं हिंदी की बात बताऊँ तो वो हिंदी में भी बात करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ टूरिस्ट कम तो एक तो ये है चीज़ कि सेंटा क्लॉज जो है यहाँ पे ओरिजिनली जो सेंटा क्लॉज हैं वो फिनलैंड को बिलोंग करते हैं यहाँ पर ना एक चीज है विच इज लाइक हेल पाइवा उसका मतलब होता है जैसे हेल मतलब ये पता नहीं कहाँ से लिया है शायद इंग्लिश से लिया होगा जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना हेल ओफ मतलब ओह द हेल इतनी गर्मी है तो यहाँ पे हेल पाइवा होता है इसका मतलब हेल डे मतलब जब तापमान जो है 25 डिग्री से ऊपर हो जाता है ना तो उसको ये लोग हेल हेल्पाइवा बोलते हैं और कुछ ही दिन होते हैं फिनलैंड के अंदर जब ये ट्वेंटी डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है और उस दिन सब लोग बहुत ही ज़्यादा जो है समर्स का मतलब लुफ्त उठाते हैं वैसे भी शॉर्ट समर्स हैं हमें पता ही है बट ये जिस दिन 20 से ज्यादा मतलब पच्चीस से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेल पाइवा एंड फूल न्यूज़ में भी आ जाता है कि भैया हेल है पाइवा आने वाला है या उसको ना जैसे हेल्थ और मतलब हेल थर्सडे या हेल है फ्राइडे आने वाला है तो उस दिन सब लोग जो है बीचों पर घूम रहे होते हैं कपड़े वपड़े उतार के धूपे सेक रहे होते हैं और खूब सारी ऑफकोर्स मस्ती भी कर रही नेक्स्ट चीज़ पता है क्या थी कि यहाँ पर सब लोग जो है अपना जो कूड़ा कचरा है ना उसे सेग्रीगेट करते हैं जैसे हमारे इंडिया में है ना गीला सूखा हमारे तो सिर्फ दो तीन तरह के ही है बट यहाँ पर जो है ना सारे जितने भी घरों के कॉम्पाउंड हैं जो भी घर हैं चाहे वो अपना घर हो कोठियाँ हो या फिर जो है अपार्टमेंट हाउसेज हो तो सबका अपना अपना कोठियों के बाहर जो है अलग अलग तरह के अ, जो है डब्बे होते हैं डस्टबिन्स के और उनके ऊपर ना अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं जैसे कि ताली मतलब मेटल ग्लास हो गया या फिर बायो हो गया मतलब बीओ याते और क्या क्या लिखा होता है मोआवी मतलब प्लास्टिक हो गया सैका मतलब मिक्स हो गया तो सब लोग अपना कूड़ा ना अलग अलग करके लेके आते हैं एंड फिर अलग अलग डब्बों में फेंकते हैं ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जैसे आते याते उसके अंदर भी सारा कुछ फेंक दिया नहीं ऐसा नहीं करते हैं लोग पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का और अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो ना अगर आप सेग्रीगेट मतलब नहीं कर रहे हो तो जो है लोग ना ऊपर से चिल्ला भी देते हैं कि भैया सेग्रीगेट करके डालो तुम ये क्या कर रहे हो तुम मतलब अगर वो ये देख लेते हैं कि आप कार्टन जो दूध के जो डब्बे हैं अगर आप उनको किसी और के अंदर डाल रहे हो तो लोग ऊपर से शाउट कर देते हैं अब मैं बोलूँगी ये चीज़ जो है ये मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी पहले बट हाँ अब हम यूज़ टू हो गए हैं वो है कि सब लोग अपना खुद का पेमेंट करते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं ना सपोज सपोज किसी किसी फ्रेंड के साथ जैसे ड्रिंक करने जा रहे हैं या फिर कोई भी पार्टी पे जा रहे हैं पार्टी का मतलब है एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कुछ मस्ती करने जा रहे हैं तो जैसे हमारे यहाँ तो ना चल चल इस बार मैं दे देता हूँ अगली बार तू देती हो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है मोस्टली uh, मोस्टली क्या मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सब लोग अपना खुद का पे करते हैं तो बी इट वो दारू हो या पिज्ज़ा हो कुछ भी हो तो या तो लोग कॉन्ट्री कॉन्ट्री का सिस्टम मुझे लगता है इंडियन कम्यूनिटी में ज़्यादा है नहीं वो नहीं है बट यूजली अगर मैं सपोज़ किसी फिन के साथ जाती हूँ या किसी और बाहर कंट्री के बंदे के साथ जाती हूँ तो वो अपना पे करते हैं और मैं अपना पे करती हूँ विच इन द वे इज़ गुड ऑल्सो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी थी क्योंकि क्या ना पैसे के पीछे बहुत कलेश होते हैं ना तो ना अपना पैसा तुम खुद दो हम अपना पैसा देंगे ना कोई कलेशबाजी ना कुछ फ्रेंडशिप की फ्रेंडशिप मजे के मजे और अच्छा एंटरटेनमेंट और शाम भी अच्छी बीत जाती है और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इवन वाइफ्स भी है ना वो भी खुद का अपना पे करते हैं बिल्कुल ये आपको बहुत ज्यादा मतलब जैसे अब लंच पे गए ठीक है तो सबसे पहले अगर तो आपको सेल्फ सर्विस बुफे लंच लेना है तो तो ठीक है बट अगर कहीं कई -कही जगह पे जो है सर्विस है तो वेटर वेटर या जो भी है वो हेल्प जो भी करने वाले बंदे वो आकर आपसे आगे पूछ रहे हैं तो पहला सवाल वो ये बोलेंगे कि जो आपको ऑर्डर है वो एक साथ होगा कि आप अलग अलग पे करेंगे तो ये चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ पे कि अगर सपोज़ हस्बैंड वाइफ भी एक साथ जाते हैं तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हस्बैंड अपना पे करेगा और जो वाइफ है वो अपना पे करेगी तो अगर आप किसी कपल के साथ ऐसे जा रहे हो तो आप शौक मत होना कि भैया ये क्या बात है हमारे यहाँ तो जी फैमिलियाँ होती है फैमिली एक कार्ड से पे करती है बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता और हालांकि एक और बात बताती हूँ आपको इवन कि ये लोग कभी कभी अपनी ग्रॉसरीज भी खुद पेमेंट करते हैं और दवाइयों की भी पैसे खुद देते हैं ये तो जीता जाता मैं खुद का एग्जांपल हूँ मैंने खुद जब फार्मेसी में काम किया था तो बहुत बारी देखा था कि एक कपल जो है अपनी अपनी दवाइयों के खुद पे करते हैं और ना जब मैं फिनलैंड में आई थी तो नवंबर का महीना था और बहुत एक्साइटेड थी क्रिसमस आ रहा है क्रिसमस आ रहा है हालांकि अभी बात क्रिसमस की नहीं करनी चाहिए क्योंकि भैया फुल टू समर्स हैं बट क्रिसमस के बिना ना हम व्लॉग जो है अपना ख़त्म नहीं कर सकते रीज़न बीइंग कि जब हम बात करते हैं यूरोप की तो हमने हमें फेरी टेल्स में हमने या हॉलीवुड मूवीज़ में तो यही देखा है कि भैया क्रिसमस ट्रीज़ सजे हुए हैं स्नो गिरी हुई है सेंटा क्लॉस खड़ा है ट्रीज़ सजे हुए हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्रिसमस वाले दिन बिल्कुल क्रिसमस वाले दिन यहाँ पर स्ट्रीट जो है डेजर्टेड होती है दुकानें बंद होती हैं दवाइयों की दुकानें भी बंद होती हैं और उससे पहले जो लोग हैं वो काफ़ी सारे मतलब ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड को बेसिकली लोग जो है अपनी पूरी क्रिसमस की शॉपिंग कर लेते हैं और क्योंकि जो दुकान वाले लोग हैं उनके लिए भी तो क्रिसमस है ना तो इसीलिए क्रिसमस वाले दिन मॉल्स हो गए स्ट्रीट्स हो गई सब डेजर्टेड और खाली रहती है क्योंकि क्रिसमस लोग जो है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा पसंद करते व्यतीत करना जैसे हम लोग दिवाली हो गई या कोई भी और होली हो गया कोई और फेस्टिवल हो गया तो हम भी तो वैसे ही फैमिली के साथ करते हैं तो सब लोग जो है कहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं वो सारा छोड़ के फैमिली के साथ जो है चले जाते हैं और क्योंकि अब ठंड होती है बाहर तो निकल नहीं सकते इसलिए सब जो है इट्स अ वेरी पर्सनल इवेंट तो अब अगर आप सोच रहे हो कि भैया स्ट्रीट सजी होंगी स्ट्रीट सजी होती है ऐसा नहीं है बट लोग नहीं होते हैं, बिल्कुल डेजर्टेड होते ये थी जो मेरे लिए थोड़ी सी ना आश्चर्य शकित थी बट हाँ फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था लोग ऐसे करते हैं जैसे हमारे फोन पे तो बोलते हैं ना हेलो क्या हाल है हाँ जी नमस्ते सत श्रीकाल बट यहाँ पर लोग ऐसा नहीं बोलते हैं यहाँ पे लोग कैसे बात करते हैं जैसे मोए भी नहीं बोलते हैं मोए मतलब यहाँ का हाई होता है या हे थोड़ा फॉर्मल होता है वो भी नहीं बोलते हैं नाम बोलते हैं सपोज अगर मैं फ़ोन उठाऊंगी तो मैं ऐसे बोलूँगी कबीरा खाना पाएवा मतलब पाइवा मतलब डे गुड डे तो यहाँ पे लोग जो है अपना नाम बोलते हैं पहले और फिर उसके बाद कुछ भी बोलते हैं तेरवे बोलते हैं मोए बोलते हैं वो लोग यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते हेलो कोई नहीं बोलता है तो कभी कभी ना मैं कन्फ्यूज होती थी ये क्या बोल रहे क्योंकि एक तो नाम अलग है ऐसा तो है नहीं कि भैया यहाँ पे इनके नाम अमित हो गए बंटी हो गया वैसे तो नाम है नहीं हमारे लिए तो बड़े अनफेमिलियर से नेम्स हैं तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती थी बट हाँ अब धीरे धीरे करके हम जो है यूज टू हो गए हैं यहाँ पे कि लोग जब कोई फ़ोन उठाएगा तो वही ऐसे ही बोलेगा तो हम आगे से वहाँ पे बोलते हैं पाए बा या मोए और एक और चीज़ थी ये तो मेरे को पता ही नहीं थी अब भैया बाल कटवाने क्या करें हमारे यहाँ क्या होता है जी पार्लर वाले के पास सीधा चले गए ठीक है ना या सलून वाले के पास सीधा चले गए या फिर जी जो मैन है वो नाइयों के पास सीधा चले गए जी बाल काट दो या वेटिंग में मां बैठे हुए हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपने बाल कटवाने के लिए या फिर कोई भी और जो है सर्विसेज uh, लेने के लिए सैलून वाली सर्विसेज लेने के लिए हम्म बिल्कुल ये मेरे लिए थोड़ा सा आ, नया था मुझे नहीं पता था ये और बट कई कई जगह पे लिखा भी होता है कि बिना आप अपॉइंटमेंट के भी आ सकते हो तो वहाँ तो आप डायरेक्टली जा सकते हो अगर वो लोग फ्री हैं तो ठीक है अगर नहीं फ्री हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वहाँ चाय कॉफ़ी का प्रबंध कई कई जगहों पर होता है तो आप वहाँ करा सकते हो अगर मैं हेयर कट की लेकिन छोटी सी बात करूँ तो हेयर कट्स यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिव हैं मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं बट हाँ जो हैं सो हैं आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते हो बट हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव हैं ये तरह की सर्विसेज तो अगर मैं एक की बात करूँ तो उनके लिए पच्चीस यूरो बहुत मिनिमम सा अमाउंट है आप अस्सी या पचासी रुपए से उसको मल्टीप्लाई कर लेना और जितने भी मैन है उनके लिए कई कई जगह पर बारह यूरो है और कई कई जगह पर पंद्रह यूरो है कई कई जगह पर बीस यूरो भी बट एक स्टैंडर्ड जो है वो पंद्रह हेयर कट का जो है मैन का लगता है और वुमेन का जो है जैसे मैंने बताया पच्चीस यूरो के करीब लगता है सैटरडे संडे फिनलैंड के अंदर जो है छुट्टी मानी जाती है तो जितने भी ऑफिसेज हैं वो सैटरडे संडे को क्लोज रहते हैं बट ये माहौल जो है ना मॉल्स के अंदर नहीं होता है मॉल्स और दुकानें जो हैं वो खुली रहती हैं बट 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 कैच क्या है यहाँ पर ये है सैटरडे के अंदर और संडे uh, के अंदर दुकाने का जो टाइमिंग्स होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली क्या होता है कभी कभी वो या तो लेट होती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं uh, या फिर मॉर्निंग में जल्दी शुरू होती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली ग्रॉसरीज़ को लेने के लिए uh, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो ठंड रहती है यहाँ पे ऐसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नज़ारे नहीं मिलते हैं आपको तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंड ऑल्सो हॉलीडेज़ के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो इनकी नेशनल हॉलीडेज़ हैं जैसे कि लेबर्स डे हो गया क्रिसमस हो गया इनका खुद का इंडिपेंडेंस डे हो गया बड़े मच्छर हैं भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मच्छर नहीं है ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा जा रही हूँ मैं बट मच्छर काट रहे जंगल में खड़ी हूँ ना मेरे पीछे आप देख रहे हो बहुत बड़ा पीछे घना सा जंगल है चलो नॉट गोइंग ऑफ टू द टॉपिक बट जैसे मैं बोल रही थी यहाँ पे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी अगर कोई uh, ऐसे डेज आ रहे हैं जैसे अब अगले वीक जो है यूहानोस आने वाला है विच इज़ मिड समर सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं क्योंकि उन लोगों को भी तो भाई सेलिब्रेट करना है ना मिड समर ईव तो वो टाइम पे बंद होंगे तो आपको उनको फॉलो करना है और उस टाइम पे जाना है अगर आप टाइम पे लेट चले गए तो फिर ग्रॉसरी स्टोर बंद हो जाएगा एंड रिक्वेस्ट करने पे भी कोई आंटी प्लीज़ अंकल प्लीज़ दे दो कोई कुछ नहीं देगा वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है इस चीज़ के बारे में कि भैया कोई आपकी बात को मान ले uh, सब लोग रूल्स क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लास्ट चीज़ के बारे में बात करूँगी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको बोलते हैं कि फिनलैंड के अंदर जितने भी लोगों के नाम होते हैं मतलब जो फिनिश नेम्स हैं उनका एक डे होता है सो so जैसे हम लोगों के पास तो बर्थडेज होते हैं सपोज जैसे मेरा बर्थडे जो है वो अप्रैल में आता है तो फ़लानी फ़लानी डेट पे कैलेंडर के ऊपर हमारा बर्थडे मेरे को याद होगा जैसे मेरा ट्यूसडे आ रहा है या वेंसडे आ रहा है बट यहाँ पे बर्थडेज़ के अलावा लोगों के होते हैं नीमी पाइवा निमीम का मतलब होता है नेम पाइवा का होता है मतलब डे सो नेम डे होता है सो फॉर एग्जाम्पल कायसा ये एक फिनिश नाम है तो हर साल एक कैलेंडर दूसरा निकलता है जिसके अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके नाम के डेज होते हैं तो यहाँ पे दो तरह की सेलिब्रेशन होती है एक तो होती है अपने खुद के बर्थडे की जिसपे आप पैदा हुए थे एंड दूसरा दिन होता है जिसका जो आपके नेम का डे है ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है तो दो तरह के कैलेंडर छपते हैं यहाँ पे एक तो नेमी पाया किट कटते हैं निकलते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डे पे आपका नाम अगर वहाँ पर आ रहा है जो फिनिश नाम है तो उसके अंदर आप अपना सेलिब्रेशन करते हैं लोग लिटरली उसके अंदर आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि नीमी पाया मतलब हैप्पी नेम डे हाँ और फिर सेलिब्रेशन मतलब वही केक कटिंग होती है या फिर लोग कॉफी देते हैं जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल बर्थडेज़ पर होता है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो दो तरह के सेलिब्रेशन करते हैं और हर साल नहीं हर साल नहीं हर तीन से पाँच साल मैं श्योर नहीं इसके बारे में तीन या पाँच साल के बाद जो है इसका अपग्रेडेशन होता है और नए नाम जो हैं इसमें ऐड होते हैं क्योंकि जो नाम ऐसे तो नहीं ना जो एग्जिस्टिंग है वही चल रहे होंगे तो नए नए नाम्स भी इसके अंदर ऐड होते रहते हैं तो बस यही था छोटा सा व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया हो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई थी तो मुझे लगा कि इनके बारे में ज़रूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए प्लीज़ चैनल को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है एंड वो सपोर्ट इसी तरह से मिल सकता है अगर आप वो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे एंड बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशंस वीडियो मेरे पसंद आ रहे हो तो प्लीज जो है इनको लाइक एंड शेयर जरूर करें मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ बाय